मैं फिफ्थ फ्लोर पे रहता, कोई और रहता है ऊपर, ऊपर माले पे रहता कोई और रहता है? आप रहते हो कौन से माले पे रहते हो? फोर्थ फ्लोर पे रहते हो? आपके घर में लिफ्ट लगी है सर बिल्डिंग में आपके में? मेरे घर पे नहीं है। नहीं है भाई हमारे यहाँ क्या कर, नहीं है मेरे आंट, इसका प्रॉब्लम मेरे को ऐसा कुछ नहीं होती, बट यार ये डिलीवरी बॉयज नहीं आते यार। एक तो आप लोग देखा, ये जब से इंटरनेट पे की नई बात चली ना कि कोई भी डिलीवरी बॉय अगर आपके घर पे आए तो उसको पानी जरूर पिलाना है ना, विच इज अ गुड थिंग, ह्यूमन अच्छी बात है, पिलाना चाहिए, बट आई बिलीव कि सबको मत पिलाओ यार, ठीक है? देख देख के पिलाओ किसी किसी को, जल ही जीवन है, वॉटर सेव वॉटर। और इसका मेरे पास रीजन भी है, क्योंकि देखो मैं, मेरा डिलीवरी बॉय आया, मैंने उसको पानी पिलाया, बहन चो एक बोतल पानी पी गया। दिक्कत ही नहीं कि वो एक बोतल पानी पी गया, दिक्कत की बात ये थी कि मैंने मंगाया डिलीवरी से दो बोतल पानी था यार। एक बोतल वो पी गया, एक बोतल मैं पी गया, मैं एक घंटे बाद फिर प्यासा बैठा हूं। फिर ऊपर से ना आजकल के जितने भी डिलीवरी बॉय है ना, मैं देखा है लोग थोड़े से ना बकचोद ज्यादा हो गए यार, ये बेमतलब की फालतू बातें करते जिसका इनसे कोई लेना देना नहीं। वो डिलीवरी बॉय आया, कहता सर हियर इज योर फूड, मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, कहता सर थैंक यू बट एक बात मुझे बताओ, मैंने कहा हाँ भाई बताओ क्या बात है, कहता सर अंदर लड़की है ना। मैं हाँ भैया है अंदर लड़की है, पर ये आपको कैसे पता चला अंदर है? कह रहा सर क्या कमाल की बात करो, कोई चूतिया होगा जो तंदूरी मोमोज के साथ ना स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक मंगाएगा, ठीक है? तो मैं ऐसे सर्च करते हो आप ये फूड चॉइसेस पे, मैं इसको पता चलेगा कि स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक मेरा मोमोज बंदी के लिए, ये मुंह पे चांटे मार के जाएगा यार, मतलब कि तुझ पे पहले से कोई डाउट था मेरे को साले। बट आई एम ए बंगाली, यानी बंगालीज इन द हाउस मेक सम नॉइस। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता था बंगाली नहीं आएंगे? ये सवाल हर शो में पूछता हूं, कहीं भी एक बार भी वो नहीं निकला किसी का, क्योंकि मुझे पता है बंगाली ऐसी जगहों पे आते ही नहीं। हाँ हाँ पैसे लगते हैं यहाँ पे आने के, बड़ी ना बिंग है बंगाली। मैंने और मेरे छोटे भाई ने पूरी लाइफ एक रूटीन फॉलो किया है, वो तुम लोग को बताता हूँ, ठीक है? अब मुझे नहीं पता तुमने ऐसा कुछ फॉलो किया नहीं किया, बट हम लोग जब ऐसे, हम लोग जब सेकंड क्लास है चाहे ट्वेल्थ क्लास है, हम लोग को पॉकेट मनी में सिर्फ 2 रुपए मिले, फर्क नहीं पड़ता हम सेकंड क्लास में ट्वेल्थ क्लास में, 0। इनफैक्ट आज भी कभी अपने पापा से पॉकेट मनी मांगता हूँ ना, पापा से 2 का सिक्का मुंह पे मार के बोलते जाओ जाके ऐश करो। संडे को बनते हमारे घर में राजमा चावल और वो खा के पूरी फैमिली से केबल पे बॉर्डर देखती है। और मेरे छोटे भाई को ना कॉलोनी के बाहर जाना अलाउड नहीं है, अगर गए तो अकॉर्डिंग टू माई फादर कोई हमको किडनैप करके हमारे हाथ पैर काट के हमसे भीख मंगवाएगा। ये बिल्डअप मेरे बाप ने कॉलोनी के बाहर ना जाने के लिए दिया है। तुम इमेजिन करो वो आदमी ड्रग्स ना करने के लिए क्या बोलता होगा यार। एक दिन संडे का दिन था, मैं और मेरा भाई ऐसे मतलब वही यार राजमा चावल खा के केबल पे बॉर्डर देख रहे, पापा आके ऐसे मेरे को 10 रुपए दिए, बोले जाओ जाके डोसा खा के आओ। तो मैंने बोला लेकिन पापा अपनी कॉलोनी में डोसा मिलता नहीं है। तो मेरे पापा बोले कोई नहीं बाहर वाली कॉलोनी में जाके खा के आओ। तो मैंने बोला वो किडनैप करके हाथ पैर कटा के भीख मांगने का लॉजिक कहाँ गया, वो कहाँ है? एंड माई फादर्स लाइक कि तेरे को डोसा खाना है कि नहीं खाना है? एंड आई नो व्हाट यू गाइस आर थिंकिंग, मोटे का डोसा तो देखो खाना ही होगा, है ना? जो कि मुझे खाना था, बट देखो 10 रुपए पहली बार मिले थे लाइफ में, ऐसा नहीं मिलते नहीं थे, वो आते थे वो रिश्तेदार देके जाते थे, वो जिनके लिए हम लोग लेबरों की तरह काम करते थे पूरे दिन, और वो ऐसे सैलरी से 10 रुपए देके जाते थे ना कि ये लो बेटा चीज खाना, है ना? और वो ये 10 रुपए यहाँ से जेब में डालने में 1 सेकंड ही लगता है मैक्सिमम, बट उसमें से ना पीछे से मम्मी का ऐसे हाथ ऐसे आता था कि ये पैसे मेरे पास जमा करा दो, जब तुम्हारे को चाहिए होंगे तब ले लेना। ये तुम लोग ने कराया, किसी ने जमा कराया? मेक सम नॉइज़ यस यस यस। अपनी माँ की कसम खा के बताओ किसको पैसा वापस मिला आज तक? नहीं मिला है ना यार, ये क्या स्कैम चला रही मम्मी है यार हमारे साथ। एक दिन मुझे माउजर लेनी थी, मैंने बोला मम्मी 100 रुपए देना, मम्मी बोला कौन से 100 रुपए? मैंने कहा अरे वो बचपन से लेके जो आज तक आपके पास जमा कराते आया हूँ, उस 1,00,000 रुपए में से 100 रुपए दे दो।
तो मेरी मम्मी ने पैसे तो देने बीटी दे दिया उल्टी मेरे को, कहती कि आज तक तुम्हें पालने पोसने में जितना पैसा खर्च हुआ पहले वो लाके दो फिर 100 रुपए लेके जाना। तो मेरी माँ बच्चों के साथ बिजनेस कर रही है, क्या करो यार, समझ रहे हो। बट ऐसे देके आते रिश्तेदार, लेकिन मेरे बाप ने दिए थे तो इट वॉज शॉकिंग फॉर मी। तो मैंने पहले पापा से पूछ लगी, लेकिन पापा 10 रुपए। पापा कहते कम है, एक काम पर 10 रुपए ले, 20 रुपए ले, 10 रुपए वाले 20 रुपए ले, अब अपने छोटे भाई को भी ले जा, दोनों भाई जाके डोसा खा के आओ। तो देखो मैं और मेरा भाई हम लोग गए दोनों बढ़िया कॉलोनी के बाहर, जाके आराम से डोसा वोसा खा के शाम को घर वापस लौटे हैं। तो आज ना हम लोग 3 भाई हैं। आई नो आधे लोगों को बातें समझ में नहीं आई है, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आया था कि मेरा बाप 20 रुपए के डोसे पे 50 घर की प्रॉपर्टी में तीसरा दावेदार लेके आने वाला है। सही बता रहा हूँ, तुम लोग की फटती होगी ये भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल से, ठीक है। मैं आज भी डोसा सांभर खाने जाता हूँ ना, मेरा दोस्त सांभर मांगता मैं घर निकल लेता हूँ, इसलिए घर क्यों जा रहा मैं, क्योंकि अनर्थ हो जाएगा चूतिए। क्योंकि मुझे पीछे से मेरी माँ की आवाज सुनाई दे रही होती है ना कि ये लो बेटा सांभर चौथा भाई भी, लाइक बधाई हो। है भाई हमारे घर में सीन खराब है।